गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वन अगेन वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आई एम योगेश कुमार जहिरे। नाउ स्टार्ट फॉर वन अगेन नेक्स्ट टॉपिक इज इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विसेज। तो एम्बुलेंस मतलब क्या समझते हैं? इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विसेज मतलब इमरजेंसी टाइम में हम एम्बुलेंस सर्विसेज को कैसे अप्रूव कराते हैं किसी भी कहीं भी प्लेस पे, है ना। तो कोई भी ऐसा सिचुएशन जहाँ पे एम्बुलेंस नहीं रहता, तो वहाँ पे उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एम्बुलेंस सेवा का प्रावधान करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो एम्बुलेंस सर्विसेज है ना, देखे हैं कि अभी के डेट में बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने में एम्बुलेंस सर्विसेज अवेलेबल नहीं था, लेकिन अभी के डेट में इतना एबिलिटी हो गया है हर हॉस्पिटल में एम्बुलेंस, या किसी भी प्लेस में किसी भी कहीं भी एम्बुलेंस इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है बाय गवर्नमेंट सेक्टर्स, हॉस्पिटल सेक्टर्स हो गया, प्राइवेट सेक्टर्स हो गया। तो इसमें दोनों बोथ इन्वॉल्व इन दिस सर्विसेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, सॉरी थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए थोड़ा जूम कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन, एन एम्बुलेंस इज व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिक और इंजर्ड पीपल टू फ्रॉम और बिटवीन प्लेसेस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एन इलनेस और इंजरी, एंड इन कम इंस्टेंसेस विल आल्सो प्रोवाइडेड आउट ऑफ हॉस्पिटल मेडिकल केयर टू द पेशेंट। ओके, तो एम्बुलेंस है क्या है, एक व्हीकल है ना, जिसपे हम क्या करते हैं, जो इंजर्ड पीपल रहता है उसको हम क्या करते हैं, इंजर्ड या सिक पर्सन्स रहता है उसको हम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम बिटवीन प्लेसेस फ्रॉम ट्रीटमेंट फॉर इलनेस और इंजरी। मतलब उसके बीच में क्या होता है, जो भी प्लेस है ना, और जो हॉस्पिटल से उनके बीच में हम क्या करते हैं, एक फैसिलिटी अवेलेबल करते हैं, ताकि जो भी इलनेस है, जो भी इंजरी है उसको हम प्रोवाइड कर सके, जो केयर है उसको प्रोवाइड कर सके। ओके, तो इंस्टेंसेस विल बी आल्सो प्रोवाइडेड आउट ऑफ हॉस्पिटल मेडिकल केयर टू द पेशेंट। ओके, तो जितने भी हॉस्पिटल्स है, जैसे कि एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो गया है ना, तो रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, फिर हम सडनली हमको अवेलेबल नहीं रहता, तो सीधे हम 112 पे कॉल करके या 108 पे कॉल करके डायरेक्ट एम्बुलेंस सर्विस का प्रावधान फ़ायदा उठा सकते हैं, है ना। तो कहीं भी प्लेस पे इमरजेंसी सिचुएशन पे हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशंस का यूज़ करते हैं, तो इसमें एम्बुलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, द वर्ड इज़ ऑफन एसोसिएटेड विथ रोड गोइंग इमरजेंसी एम्बुलेंस विच फॉर्म ऑफ एन इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेटिंग इमरजेंसी केयर टू दोज विथ एक्यूट मेडिकल प्रॉब्लम्स। ओके, तो क्या होता है कि जो इमरजेंसी एम्बुलेंसेस है, तो क्या है, ए पार्ट होता है क्या चीज़ का, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज का, जिस पे हम क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिंग करते हैं इमरजेंसी केयर को, ठीक है। नेक्स्ट, द टर्म एम्बुलेंस डज however extended to a wider range of vehicle other than those with flashing warning lights and sirens. The terms also includes a large number of non-urgent ambulance which are for transport of patient without an urgent acute condition. Okay, तो क्या होता है कि जैसे किसी को इमरजेंसी में हम ले जाते रहते हैं, तो क्या करता है, जो एम्बुलेंस बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में है, तो वार्निंग साइन देते हैं कि बहुत इमरजेंसी है, साइरेंस बजते रहता है, सुने हो ना, सुने होंगे सभी हॉस्पिटल्स में रोड में जाते जाते, तो क्या है, एक साइरेंस देता है कि इमरजेंसी है तो जल्दी से पहुँचना है हॉस्पिटल, तो इसीलिए साइरेंस का आवाज़ देता है, और जो इमरजेंसी वार्निंग साइन है, इमरजेंसी लाइट जो रहता है, देखे हो ना जो लाइट जलते रहता है एम्बुलेंस ऊपर में, तो ये क्या है, एक साइन है कि सबको पता चल जाता है कि इमरजेंसी में ले जा रहे हैं।
द नेक्स्ट है द टर्म एम्बुलेंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एम्बुलेयर एज मीनिंग टू वॉक और मूव अबाउट विच इज ए रेफरेंस टू ईयरली मेडिकल केयर वेयर पेशेंट्स वेयर मूव्ड बाय लिफ्टिंग और व्हीलिंग। क्या बोल रहा है कि इसका लैटिन वर्ड क्या है? एम्बुलेयर है, जो जिसका मीनिंग होता है वॉक और मूव अबाउट विच रेफरेंस टू अर्ली मेडिकल केयर। तो मतलब सबसे पहले जो नीड है अर्ली मेडिकल केयर, उसी के अकॉर्डिंग सभी को साइड देना है, हटना है, चलना है, ठीक है। तो क्या है, एक दूसरे के जगह से क्या करते हैं, मूव कराते हैं, लिफ्ट कराते हैं। द वर्ड ओरिजिनली मीन्स ए मूविंग हॉस्पिटल विच फॉलोएंस आर्मी इन इट्स मूवमेंट्स। तो जो भी ऑर्डरली क्या होता है कि हम मूव कराते हैं हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को, ताकि उनको जल्दी से उनको केयर सर्विसेज प्रोवाइड मिल सके। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एम्बुलेंस। ओके, तो टाइप्स ऑफ एम्बुलेंस में एम्बुलेंस कैन बी ग्रुप्ड इनटू टाइप्स डिपेंडिंग ऑन वेदर और नॉट दे ट्रांसपोर्ट पेशेंट्स एंड अंडर व्हाट कंडीशंस। फर्स्ट होता है इमरजेंसी एम्बुलेंस। एम्बुलेंस द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्बुलेंस विच प्रोवाइड केयर टू पेशेंट विथ एन एक्यूट इलनेस और इंजुरी दैट कैन बी रोड गोइंग वैंस, बोट्स, हेलीकॉप्टर्स, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट नोन एज एयर एम्बुलेंस। तो ये क्या है, इमरजेंसी एम्बुलेंस बहुत सारे रहता है ना, जिसमें क्या हो सकता है, जैसे कि रोड वाला एम्बुलेंस हो गया, वैन हो गया, बोट्स हो गए, हेलीकॉप्टर, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट एम्बुलेंस। ओके, तो एयर के थ्रू हमको, जैसे कि मोस्टली जो हिमालय है ना, हिमालय में जो जम्मू कश्मीर साइड में बहुत सारे क्या रहता है, वहाँ पे हमारे सोल्जर्स हैं, तो सोल्जर्स को कभी इंजरी होता है तो हेलीकॉप्टर्स के थ्रू क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र कराते हैं। तो ये क्या होता है, इमरजेंसी एम्बुलेंसेस सर्विसेज। द नेक्स्ट है पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस। ए व्हीकल विच हैज़ द जॉब ऑफ ट्रांसपोर्टिंग पेशेंट टू फ्रॉम और बिटवीन प्लेसेस ऑफ मेडिकल ट्रांसपोर्ट सच एज हॉस्पिटल और डायलिसिस सेंटर फॉर नॉन अर्जेंट केयर। दिस कैन बी वैंस, बसेस और अदर व्हीकल। ये क्या होता है, पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस होता है, जिसपे जो पेशेंट को मोस्टली क्या करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए या मेडिकल केयर के लिए हम उसको हॉस्पिटल या डायलिसिस सेंटर पे हम अर्जेंटली या नॉन अर्जेंटली केयर के लिए हम क्या करते हैं, बसेस, वैंस और अदर व्हीकल्स का यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट है रिस्पांस यूनिट, आल्सो नॉन ए फ्लाई कार और ए क्विक रिस्पांस व्हीकल विच इज ए व्हीकल विच इज यूज्ड टू रीच एन एक्यूटली इल पेशेंट क्विकली एंड प्रोवाइडेड ऑन स्किन केयर। ओके, तो ये क्या होता है, रिस्पांस यूनिट। ओके, फ्लाई कार होता है जिसपे हम पेशेंट को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह क्विकली हम ट्रांसफ़र करते हैं। द नेक्स्ट है बेरियाट्रिक एम्बुलेंस, ए स्पेशल टाइप ऑफ पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस डिजाइन फॉर एक्सट्रीमली ऑबीज पेशेंट्स इक्विप्ड विद द अप्रोप्रिएट टूल्स टू मूव एंड मैनेज दिट पेशेंट्स। ओके, तो क्या कहते हैं, बेरियाट्रिक एम्बुलेंस होता है, जिसमें ये भी स्पेशल टाइप होता है ट्रांसपोर्टिंग का, जिसमें एम्बुलेंस को डिज़ाइन किया रहते हैं कि जो पेशेंट है उसको इक्विप करके अच्छे से उसको हम केयर प्रोवाइड कर सकें। ओके, तो ये क्या होता है, टाइप्स ऑफ एम्बुलेंस। इक्विपमेंट देख लेते हैं, इसका क्या क्या इक्विपमेंट होता है। इन एडिशनल द इक्विपमेंट डायरेक्टली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट एम्बुलेंसेस में बी फिटेड विथ ए रेंज ऑफ एडिशनल इक्विपमेंट विच इज़ यूज्ड इन ऑर्डर टू
पेशेंट केयर दिस कुड इंक्लूडेड। तो इक्विपमेंट जो भी एम्बुलेंस रहता है उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट भी फैसिलिटी रहता है, ताकि उस पर बहुत ज़्यादा हमको इमरजेंसी हो तो बहुत हमको हेल्प मिल सके। ठीक है, फर्स्ट होता है टू वे रेडियो, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीसेस ऑफ इक्विपमेंट इन मॉडर्न इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, एज इट अलाउज फॉर द इंसुइंग ऑफ जॉब टू द एम्बुलेंस एंड कैन अलाउ द क्रू टू पास इन फॉर मेडिमेश सॉरी इंफॉर्मेशन बैक टू कंट्रोल और टू द हॉस्पिटल। तो इस पर टू वे रेडियो होता है, जिसपे हम इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है एम्बुलेंस का, हम किसी को कांटेक्ट करना है तो हमारा जो सर्विसेज है वो रेडियो के थ्रू हम दूसरे तक पहुंचाते हैं, ताकि इमरजेंसी में हम उस पेशेंट का जान बचा सकें। ठीक है, द नेक्स्ट है ट्रॉमा लाइटिंग, इन एडिशनल टू नॉर्मल वर्किंग लाइटिंग एम्बुलेंसेस कैन बी फिटेड विथ स्पेशल लाइटिंग। ओके, तो जैसे कि हम देखे हैं कि इमरजेंसी में कहीं पे लाइट नहीं रहता, तो उस पर ऑलरेडी इन्वॉल्व रहता है बहुत सारे लाइट्स, है ना, ताकि इमरजेंसी में काम आ सके। एयर कंडीशनिंग, एम्बुलेंस आर ऑफन फिटेड विथ ए सेपरेटेड एयर कंडीशनिंग सिस्टम टू सर्व द वर्किंग एरिया फ्रॉम द विच सर्विस द कैब, दिस हेल्प्स टू मेंटेन एन अप्रोप्रिएट टेम्परेचर फॉर एनी पेशेंट बींग ट्रीटेड, बट मे ऑल्सो फीचर एडिशनल फीचर सच एज फिल्टरिंग अगेंस्ट एयरबॉर्न पैथोजेंस। ओके, तो इसमें क्या होता है, एम्बुलेंस में एयर कंडीशनिंग का भी एयर कंडीशनिंग भी उस पर अवेलेबल रहता है, जो जो भी एरिया रहता है वहाँ पे इमरजेंसी में हम यूज कर सकें। ठीक है, देन नेक्स्ट है डाटा रिकॉर्डर्स, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है, जो कि जो भी डाटा है उसको सेव करके रखता है। देयर आज ऑफन प्लेस द एम्बुलेंसेस टू रिकॉर्ड सच इंफॉर्मेशन एज स्पीड, ब्रेकिंग पाउडर पावर एंड टाइम, एक्टिवेशन ऑफ एक्टिव इमरजेंसी वार्निंग सच एज लाइट एंड साइरेंस एज वेल एज सीट बेल्ट यूजेस। ओके, तो डाटा रिकॉर्डर बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है एम्बुलेंस में, है ना, इसमें बहुत सारे डाटा रहता है, ताकि पता चल जाता है अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आता है जिसपे सीट बेल्ट और बहुत सारे उसमें लाइट पावर है, अलग से टाइम है, एक्टिवेशन हो जाता है, ताकि हमको जो इमरजेंसी है वो हमको पता चल सके। तो क्या है मेन डाटा रिकॉर्डर से क्या है उसका इक्विपमेंट है। नेक्स्ट है एक्टिव विजुअल वार्निंग, तो एक्टिव विजुअल वार्निंग क्या होता है, द एक्टिव विजुअल वार्निंग आर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ फ्लैशिंग लाइट, दिस फ्लैश इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अदर रोड यूजर्स एज द एम्बुलेंस अप्रोचेस और टू प्रोवाइड वार्निंग टू मोटर्स इट्स अप्रोचिंग ए स्टॉप्ड एम्बुलेंस इन ए डेंजरस पोजिशन ऑन द रोड। कॉमन कलर्स फॉर एम्बुलेंस वार्निंग बिकम्स आर ब्लू, रेड एम्बर एंड वाइट क्लियर। ओके, तो इसमें कॉमन कोड रहता है। ठीक है, तो जैसे ही अगर रोड को खाली करवाना है किसी को, तो वार्निंग साइंस देते हुए बहुत ज़्यादा स्पीड में जाते रहता है ना, देखे हैं आप लोग हॉस्पिटल्स ले जाते किसी पेशेंट को, तो क्या है साइरन बजते रहता है और रोड पे पूरे सब साइड देते हैं, ताकि किसी को चोट ना पहुँचे, इमरजेंसी में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक्टिव विजुअल वार्निंग होता है। एबल वार्निंग, ऑडिबल वार्निंग देखते हैं, इन एडिशन टू विजुअल वार्निंग्स एम्बुलेंस कैन बी फिटेड विथ ऑडिबल वार्निंग्स समटाइम्स नोन एज साइरेंस विच कैन अलर्ट पीपल एंड व्हीकल टू द प्रेजेंस ऑफ एन एम्बुलेंस बिफोर दे कैन बी सीन। ओके,
तो कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी को साइरेंस सुनाई नहीं दे रहा है तो हम है ना, ध्यान नहीं रहता साइरेंस बज रहा है क्या चीज़ का है, तो उसको ध्यान नहीं रखते, तो इसीलिए ऑडिबल वार्निंग भी इन्वॉल्व रहता है हमारे जो एम्बुलेंस सर्विसेज है ना, ताकि ऑडिबल हम उसको बता सकें। लेकिन नेक्स्ट है सर्विस प्रोवाइडर, कौन कौन इसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फर्स्ट है गवर्नमेंट एम्बुलेंस सर्विस, वॉलेंटियर एम्बुलेंस सर्विस, प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस और चैरिटी एम्बुलेंस। तो ये क्या है, बहुत सारे हमारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं हमारे, जैसे कि हमारे कंट्री में गवर्नमेंट का अलग होता है, कई ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, कई चैरिटी वाले रहते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स रहते हैं। तो आपको पॉइंट्स याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, मेडिकल सर्जिकल या तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पूछ सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा सर्विस प्रोवाइडर होता है, ओके आपको याद रखना है। तो सर्विस प्रोवाइड कहाँ कहाँ कौन से सेक्टर्स पे दिया जाता है ना, ऑपरेटिंग सेपरेटली फ्रॉम, फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सेपरेटली फ्रॉम अदर द फायर एंड पुलिस सर्विसेज ऑफ एरिया, दिस एम्बुलेंस आर फंडेड बाई लोकल एंड नेशनल गवर्नमेंट। ओके, वॉलंटियर एम्बुलेंस सर्विस चैरिटीज और नॉन प्रॉफिट कंपनीज ऑपरेटेड एम्बुलेंस बोथ इन इमरजेंसी एंड पेशेंट ट्रांसपोर्ट फंक्शन। ओके, तो देखे होंगे कि कोई वॉलेंटियर एम्बुलेंस सर्विस है जो प्राइवेटली भी हो सकता है और नॉन प्रॉफिट कंपनी भी हो सकता है जिसपे उसको कोई फ़ायदा ना हो, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, जो एम्बुलेंस सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विसेज कई बहुत सारे नॉर्मल कमर्शियल कंपनीज हैं जो पैड एम्प्लॉई हैं, तो उनके लिए भी क्या होता है, प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस भी प्रोवाइड किया जाता है ना, अवेलेबल रहता है। चैरिटी है ना, कोई चैरिटी ग्रुप्स रहता है, इसके थ्रू एम्बुलेंस सेवा चालू किया जाता है। ठीक है, अभी देख रहे हैं ना, अभी कोरोना की वजह से बहुत सारे एम्बुलेंस अपने अपने प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर सब क्या करते हैं, उसको सब प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और उसके थ्रू एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, अंडरस्टूड दिस टॉपिक, देख सकते हैं यहाँ पे कार्डियक एम्बुलेंस होता है, बहुत सारे एम्बुलेंस रहता है, जैसे कि उस पर क्या क्या फैसिलिटी रहता है। ठीक है, तो कार्डियक एम्बुलेंस कंटेंट्स डॉक्टर्स रहते हैं, ईसीजी मशीन रहता है, डिफाइब्रिलेटर होता है, सक्शन मशीन, ऑक्सीजन रिसक्सिटेशन किट, सिरिंज पंप, फेस मेकर, ट्रेंड नर्स, कार्डियक मॉनिटर, पोर्टेबल वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, एमरजेंसी मशीन्स, नेबुलाइजर, बाईएप एंड स्पाइन बोर्ड। तो ये क्या है, कार्डियक एम्बुलेंस में इतने इक्विपमेंट होना चाहिए, इतने पर्सन्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा इमरजेंसी एम्बुलेंसेस सर्विसेस है। ठीक है, जैसे कि ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे कि 108 108 पे कॉल करो तो कोई भी एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट सेक्टर से उसको फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, देखे होंगे। ओके, जैसे कि देख रहे हैं ना, वेयर कॉल इज प्लेस्ड फ्रॉम, जैसे मोस्टली सभी जगह पे आजकल 108 इमरजेंसी सर्विस सर्विसेज मिलता है, तो हमको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका है, डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, टाउन है, कोई लैंडमार्क है, कोई लोकेशन है, तो उस वहाँ पे हमको मिलता है, ये सर्विसेज मिलता है ना। तो आपको याद रखना है, ठीक है, इसका नोट्स बना लीजिएगा, यहीं पे हम क्लासेस क्लोज करते हैं। आई होप अंडरस्टूड दिस टॉपिक, ओके, नेक्स्ट क्लास में आगे का क्लास देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।